गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस हिंदी टाइम व्याकरण पार्ट 11 जो विलोम शब्द हम लोग पढ़ रहे थे, इसकी परिभाषा भी आपको याद करनी है और विलोम शब्द भी याद करने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 और 2 कल हमने कर लिए थे और मैंने आपको ये कॉपी में करने को भी बोला था। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 3 पर। इसमें है उल्टे अर्थ वाले शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, उल्टे अर्थ वाले शब्द, जो ये रेड कलर में आपको जो शब्द दिख रहे हैं ये उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। यहाँ तो एक एग्जांपल आपको किया हुआ है सॉल्व, ख वाला देखिए, मेरा स्कूल पास नहीं है। पास, पास का विलोम शब्द होगा दूर, ये यहाँ आपको ख में लिखना है दूर। फिर पेज टर्न कीजिए। कौवे का रंग सफेद नहीं होता है। अब सफेद का आपका विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखना है, तो सफेद का विलोम शब्द होता है काला। आम का पेड़ छोटा नहीं, छोटा, छोटा का होगा बड़ा, तो यहाँ आपको बड़ा लिखना। फिर आपके पास आ रहा है अभ्यास प्रश्न 4, घर के अंदर कंप्यूटर गेम खेल लें या घर के बाहर मैदान में क्रिकेट फुटबॉल जैसे खेल खेलने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अब यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आपको चूज करके बताना है कि आपकी सेहत, जो आपकी हेल्थ है, हेल्दी कैसे रहेंगे आप, घर के बाहर मैदान में खेलने से या घर के अंदर खेलने से। कैसा, कब आप हेल्दी होंगे, जब आप रन करेंगे या आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी तभी आप हेल्दी रह पाएंगे। तो आप प्रश्न नंबर 4 में घर के बाहर मैदान में खेलने से जो आपका जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें जो सर्कल है उसके अंदर आपको ये टिक करना है। फिर हम आ जाते हैं गतिविधि पे। गतिविधि में आपको करना है बिंदुओं को मिलाकर चित्रों को पूरा कीजिए और रंग भी भरिए। अब यहाँ हाथी और चूहे का चित्र दिया हुआ है आपको, डॉट, ये आप जानते हैं सब करना, इन डॉट को मिलाना है फिर इनमें कलर करना, ये काम आज आपको करना है। और इनमें से किसी एक जानवर के बारे में 2 वाक्य लिखिए। अब चाहे तो आप चूहे पे लिखें, चाहे आप हाथी पे लिखें, बड़ा और छोटा, ये देखो उल्टे अर्थ वाला ही यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो चाहे आप हाथी पे 2 सेंटेंस लिखें या चूहे पे लिखें, आपको 2 वाक्य इनमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा विलोम शब्द वाला पाठ यहाँ पे पूरा हुआ, ये रिक्त स्थान आप कॉपी में करना। फिर हम शुरू करेंगे पाठ 12। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अब हम जो शब्द पढ़ने वाले हैं, अब आगे जो पढ़ेंगे विलोम शब्द से आगे पाठ 12 में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को हम पढ़ना कल से स्टार्ट करेंगे। उसमें बहुत सारे शब्दों को हम एक शब्द दे देंगे, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये अनेक शब्द है, उसका एक शब्द में नाम हो जाएगा क्रिकेटर। इस तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला पाठ हम पढ़ेंगे और बहुत सारे अनेक शब्दों के एक शब्द भी हम लोग नए नए सीखेंगे। जैसे मैं गाना गाता हूँ, अब मैं गाना गाता हूँ को कौन होता है, कौन गाना गाता है, गाना गाने वाले को क्या कहते हैं, गायक। तो ये मैं गाना गाता हूँ, ये अनेक शब्द है और उसका एक शब्द क्या है बच्चों, गायक, है ना, सिंगर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो सिंग करता है। मैं डॉक्टर की मदद करती हूँ, अब कौन करती है डॉक्टर की मदद, नर्स। तो ये भी एक, इसका एक शब्द हो गया। तो कुछ ऐसे अनेक शब्द दिए, आपको एक शब्द उसका पता लगाना है कि ये क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये और हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। जैसे दूध बेचता है ना, मिल्कमैन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में दूध वाला जो स्कूल में पढ़ाता है, अध्यापक, टीचर। तो ये हम अब कल से ये स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि शब्द ही सब शब्द से ही रिलेटेड ये पार्ट है, इसलिए हम लोग कल इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप ये काम करिए, रिक्त स्थान वाला काम कर लीजिए और ये चित्र में रंग भरिए, आपके लिए भी मजेदार एक्टिविटी है ये, और इस पे अपने मन से 2 वाक्य लिखिए।